नमस्कार, राम राम भाइयों। आज अपन देखेंगे ये अरनिया मेंडकेश्वर महादेव के जंगलों में। आज के टूर पे अपन निकले हैं। आज के जो इस वीडियो में जो रहेगा वन्य प्राणी जो भी दिखेगा आपको दिखाऊंगा। मेरे को ये सूचना मिली कि इधर अजगर आया हुआ है, तो अपन उसको ढूंढते हैं, देखते हैं। बहुत बड़ा अजगर है, बोल रहे हैं 10-15 फीट का अजगर यहाँ पर पड़ा है। देखो जंगल में अपन घूम फिर के देखते हैं किधर है। चलो अपन घूम रहे हैं जंगल में, देख रहे हैं, बहुत घना जंगल है। हम दो जने सर्च कर रहे हैं इसको। जैसे दिखेगा आपको वीडियो में, आप देखोगे रोमांचित हो जाओगे इस वन्य प्राणी को देखने के लिए। मैं भी खुद रोमांचित हूँ, बहुत उत्सुकता है उसको देखने के लिए कि कितना बड़ा अजगर है आखिरकार। वो झाड़ियाँ बहुत शानदार है। देख देख, अच्छे से देख यार। बहुत घनी झाड़ियाँ हैं। वन्य प्राणी से डर भी लगता है भाई, हिंसक जानवर है वो। क्यों लतीफ भाई? कोई घनी झाड़ी में पड़ा होगा, थोड़े और घने जंगल में चलने की जरूरत है अपने को। क्यों? हाँ तो इस झाड़ी में ही होगा वो। चलो देखते हैं, लगभग अपन पास में आ गए हैं। पंद्रह बीस फीट का बता रहे हैं। एक बकरी वाले ने सूचना दी और उसकी सूचना के आधार पे हम सर्च करते हुए बिल्कुल घने जंगल में आ गए। अच्छा, ये बोल रहे पीछे रह गए। चलो अपन पीछे चल के देखते हैं वापस। आज का टूर बहुत ही रोमांचक रहेगा आज। मोहनलाल जी, ओ भंवर जी, फटाफट आ जाओ, बताओ यार, बहुत उत्सुकता हो रही देखने के लिए। इस आदमी ने देखा था, आप ही ने देखा वो अजगर है? फोटो क्या वीडियो में लेंगे तुम्हारे को? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वीडियो में लेना पड़ेगा। अपन अब चल रहे हैं देखने के लिए, चलो आ जाओ। मैंने फोटो में, अरे आगे चलो यार, तुम घबराओ मत। कौन सा वो खेचड़ी के पेड़ के नीचे कितना बड़ा था वो? लोग 10-12 फीट का। कब देखा पहले? कब देखा? नहीं पहले कब देखा है? कल भी तो नजर आया था वो। लतीफ बोल रहा है कल नजर आया इसको। अच्छा, खाली सूचना मिली थी तुमको है? कौन सा खेचड़े के वहां देखा यार, इतनी घनी झाड़ियों में जंगल में तुमको डर नहीं लगता रे मोहनलाल? क्यों फिर भी देखो हिम्मत वाले। इस नाले के उस पार है कि इधर ही है? ये हल्का सा छोटा सा नाला और आ गया। ये अब बहुत नजदीक आ गए अपन, सांसें थाम लो। ये रहा भाई, पास में मत जा, पास में मत जा, पास में हिम्मत है मैं। अरे नहीं नहीं, पास में मत जा, ज्यादा पास में मत जा। हाँ ये 10-12 फीट का है। ला उठ पास में जान, फोटो ले। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसको अपने पर्यावरण के प्राकृतिक आवास में अजगर सो रहा है, इसको सोने दो यहीं पे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये रेस्क्यू किया हुआ छोड़ा हुआ है यार। नहीं नहीं नहीं, डरने का नहीं, डरने का नहीं, नहीं काट।
ये आप खुद देख लो, इतने बड़े टूर को देखने के बाद में इतना घूमने, नहीं नहीं एकदम से अटैक कर देना, लपेट जाए तो समस्या है। इस जानवर की ये खासियत है कि अगर ये लपेट गया तो हाथ पांव तोड़ देता है, फिर धीरे धीरे अपनी अपनी कसावट को मजबूत करता है, ऐसे खींचता है उसको, कि जैसे लपेट रहा ना अभी, लपेट के सो रहा है आराम से, रेस्ट कर रहा है, बिल्कुल हिल भी रहा है, सांस ले रहा है आराम आराम से, आप आराम से देख सकते हो सांस ले रहा है अजगर है। जंगल में बहुत रोमांचित जानवर है, ये खतरनाक जानवर है। अच्छा एक चीज़ ये है कि ये जहरीला नहीं होता है, जहर इसमें नहीं होता है, लेकिन ये अपनी चारों तरफ लपेट के हड्डियां तोड़ देता है, अगर हाथ पांव कहीं भी अगर लपेटने में अगर इसने लपेट लिया अंदर जो आ गए तो बस फिर हड्डियां तोड़ देता है भाई। तो मोहनलाल जी ज़्यादा पास में नहीं जाना, ध्यान रखना इसका, है ना। खुले जंगल में आपने देखा है, हाँ जा 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 जाओ जाओ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने दिखा दिया इसको, बस बहुत कोई दिक्कत नहीं है। क्या लतीफ, इसका मुंह शायद तक इसने अंदर दबा रखा है, यो नहीं दिख रही मुंह, नहीं मुंह कहाँ है, ये नहीं 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 पत्थर मत फेंक, पत्थर मत फेंक, हाँ जरा सा मुंह निकाल रखा है इसने, हाँ यार जरा सा मुंह निकाल रखा है इसने, लेकिन आंखें आंखें इसकी हैं, सामने से आंखें भी दिख रही है आपको, देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल मुंह देख रहे हो आप, यार मैं बात कर लिया मैं आपको, देख लो भाई ये जानवर है, हालांकि जंगली प्राणी है तो जंगली वन्य प्राणी, वन्य वन में ही रहेगा ये, तो इसकी छेड़छाड़ ना करे भाई, इसको अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहने दे। क्या भोनलाल, इधर आना जाना थोड़ा कम रखना भाई, कुछ दिनों के लिए इधर मत आना बकरियां वगैरह चराने। तो लतीफ ध्यान रखना तुम भी, है ना, ठीक है। और ये इसका भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि वन्य प्राणी को कोई नुकसान पहुंचा दे, ये जंगल की सुरक्षा के लिए ये सेफ्टी गार्ड है, बिल्कुल अभी जो कहीं तुमने बता रहे थे नुकसानी के, तो ऐसी नुकसानी इसको देख लेंगे तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, डबल जिंदगी में जंगल में नहीं आएगा, ये इसकी सुरक्षा की ओड़ी नहीं हो सकती है। खाली यही है कि ये खेतों में इसमें नहीं आ जाए, किसी के खेत पे कुएं पे अगर आ गया तो फिर देखो समस्या है। नहीं नहीं फ़ोटो की कोई दिक्कत नहीं है, आप फ़ोटो तो यहीं से ले लो, अपन ने ले लिया है फ़ोटो इसका, अपन ने इसको देखो अपन जूम करके और अच्छे से जूम करके इसका फ़ोटो खींच लेते हैं, बहुत शांति से बैठा हुआ है, इसको तो आराम से बैठे रहने दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसको हिलचल करने की, इसने खा पी लिया होगा, इसी पोजिशन में घंटों घंटों तक बैठा रह सकता है, इस जानवर की खासियत ही यही है। बहुत संघर्ष करने के बाद में अपन अजगर तक पहुँच ही गए आखिर, और बहुत ही रोमांचक नज़ारा था ये, क्यों लतीफ भाई, अच्छा है, अच्छा है। अब तुम तुम्हारी बकरियों को इनको दूर रखना इसे, नहीं इधर आ जाओ दो मिनट, इधर तुम्हारा इसके साथ में वीडियो पढ़ लेते, देखो हम साथ में खड़े हैं, और इस वन्य प्राणी को तुम्हारे को बचाना भी है, तुम्हारी भी सुरक्षा करेगा, कंजर वंजर भी नहीं आएंगे इधर, चोर वोरों को भी अगर ये कहीं लपेटे में आ गया तो चोर भी इधर नहीं घूमेंगे, वो चाहे जंगल का चोर हो चाहे तुम्हारा बकरी चोर हो, है ना, जंगल को नुकसान नहीं करना है, तुम्हारी रक्षा करेगा ये, ठीक है। तो बहुत अच्छा नज़ारा था ये, इसको अच्छे से देखें, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और अच्छे अच्छे रोमांचित वीडियो देखेंगे वन्य प्राणियों के साथ में, ये अजगर का है, थैंक यू। ये मेणकेश्वर महादेव के जंगल में आज मैं गश्ती करते हुए मैंने ये अजगर देखा, एक बकरी वाले की सूचना पर गया था, तो कृपया इससे सावधान रहें, और जितने भी लोग जंगल में बिना फालतू ना जाएं, और जो मजबूरी में जा रहे हैं वो इससे सावधान रहे, ध्यान रखें, अपना सुरक्षा करें, सुरक्षा रखें, और अजगर को भी नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि वन्य प्राणी जंगल के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।